नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरिमोहन और हो सकता है आप लोगों ने कई बार हमें अलग अलग वीडियोज में देखा होगा। चूँकि हमारा अगरबत्ती का बिजनेस है तो ज़्यादातर वीडियोज के अंदर हम लोग अगरबत्ती बिजनेस की विभिन्न प्रकार की समस्याओं और उसकी क्या सॉल्यूशंस हो सकती है उसके बारे में बात करते रहते हैं। परंतु आज के इस वीडियो का मकसद कुछ अलग है, थोड़ा अलग है, क्योंकि हमारे बिहार में काफ़ी कुछ अभी बदलाव हो रहा है, काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है। तो मुझे लगा इस संबंध में मेरा अपना एक एक्सपीरियंस रहा, उसके रिलेटेड मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। तो मैं अभी देख रहा हूँ कि अपने बिहार के अंदर बहुत तरह के स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं, जिसमें से रोड बेच करके एक स्टार्टअप है बिहार की, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, सोच पा रहा हूँ कि आने वाले कुछ समय में बिहार के अंदर ओला उबर जैसी कंपनीज को ये रोड बेच नाम की स्टार्टअप, जो कि बिहार के ही एक युवा ने स्टार्ट किया है, दिलखुश जी नाम है उनका, और काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है ये। मैं हाल में मेरा इसके साथ काफ़ी सुखद अनुभव रहा है। मुझे समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर आना था, और जहाँ समस्तीपुर के एक रूरल एरिया से, मतलब एक गांव से, मुजफ्फरपुर ज़िले के एक गांव आना था, जहाँ से कि लगभग डिस्टेंस हो रहा था 70 से 80 किलोमीटर, ठीक है, काफ़ी चीप प्राइस पे वो उन्होंने हमें राइड उपलब्ध करवाई, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि बिहार में ये काफ़ी अच्छा टक्कर दे रहे हैं ओला उबर जैसी कंपनीज को, तो मुझे लगा कि हमें भी इसके ऊपर अपना एक राय रखना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा इनका सर्विस है। मैं समस्तीपुर ज़िले के जिस जगह से मुजफ्फरपुर ज़िले के लिए आया था, वहाँ से दूरी लगभग 72-73 किलोमीटर थी, और मैं किसी भी अन्य फोर व्हीलर गाड़ी से आता, कोई भी मिनी कैब वगैरह से भी आता, जैसे ऑल्टो वगैरह से भी, तो जो उसका भाड़ा आता वो समझो कि 3000 रुपये के अराउंड तो आता ही आता। परंतु सेडान से मैं सेडान से हमें राइड मिला, और भाड़ा मात्र 1400 समथिंग आया था, मुझे याद नहीं। मुझे तो शुरू में यकीन ही नहीं हुआ था कि कैसे कोई इतना सस्ता राइड हमें उपलब्ध करवा सकता है, मुझे यकीन नहीं हुआ था। चूँकि मेरा जहाँ तक आइडिया है कि मैं तो यही जानता था कि भैया इतने दूर में तो इतने के तेल जल जाते हैं, जो फ्यूल होता है वो जल जाता है। परंतु जब मैंने अपना राइड बुक किया, फिर एक दिन बाद वो राइड हमारा कंफर्म हुआ, और समय जो हमने टाइम डाला हुआ था पिकअप के लिए, उससे हाफ एन आवर पहले ही जो राइडर था, ड्राइवर था, वो यहाँ पे आ गया था हमें पिकअप करने के लिए। और काफ़ी अच्छा सर्विस रहा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उन लोगों के साथ। तो मैं तो आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कहीं भी आउट स्टेशन, आउट ऑफ सिटी अगर ट्रैवल करते हैं और कैब की आपको आवश्यकता पड़ती है, तो आप रोड बेज को ही प्रीफर करें, क्योंकि इसकी जो सर्विस रही प्लस जिस अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, जिस प्राइस के अंदर इन्होंने सर्विस दी, वो काफ़ी काबिले तारीफ़ है, अमेजिंग है। मतलब आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो, 72 किलोमीटर की दूरी 1400 रुपये में, मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो थैंक यू टीम रोडवेज, एंड स्पेशली थैंक यू दिलखुश भाई, एंड जो ड्राइवर था हमारे साथ, जो उन्होंने हमें ड्राइवर प्रोवाइड किया था, वो उनका भी जो बिहेवियर था काफ़ी अमेजिंग था। बिक्की भाई, यदि आप देख रहे हो तो एक बार फिर से थैंक यू आपको, काफ़ी अच्छा आपने व्यवहार किया हमारे साथ। और हर कोई चाहेगा कि उसके साथ एक कोई भी ड्राइवर है वो इतना ही प्यारा, इतना ही स्वीट व्यवहार करे। तो थैंक यू आप लोगों का, और मुझे लगता है आप सभी को एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए रोडवेज। थैंक यू रोडवेज अगेन।